Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 5th, semester 2nd, or lesson number 2. The change of heart. Dil ka badalna. You might have read or listened the stories about the kings. Aapne purane badshahon ki kahaniyan to suni hongi. Most of the times, they would have been involved in fighting with each other and separating their terrors. और अक्सर आपने ये सुना होगा कि उनको बहुत दूसरी बादशाहों से जंग हुई और जंग में उन्होंने दूसरे को डराया, टेररिस्ट यानी बहुत ही खौफ दहशत उसमें आपने देखी होगी. Would they have thought over the death of innocent people ever? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जो मासूम लोग उसमें मर जाते थे उनके बारे में? Let's read this story about a great king of ancient India whose heart was changed after a terrible battle. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा. इस नीचे जो कहानी है ये एक अच्छे बादशाह की है जिसने इंडिया में राज भी किया है और उसका दिल जो है वो चेंज हुआ एक लड़ाई के बाद, जंग के बाद. Ashoka was a great king of ancient India. अशोका हिंदुस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्ती और यानी अच्छा बादशाह गुजरा है. He belonged to Mauryan dynasty. वो मौर्यन डायनास्टी का था. He was the son of Bindusara. वो बिंदुसरा का बेटा था. He succeeded Bindusara in 273 to 232 before क्रिश्चियन एरा. यानी क्रिश्चियन एरा से पहले, जैसे आज 2020 चल रहा है, 2020 और हम ये जो है 232 साल उससे पहले वो था. यानी 2020 और 232 यानी 2232 साल पहले की ये बात है. उससे भी पहले उसने 30 साल हुकूमत की हुई है. He was holding important viceroyalty of Tashkela, Taxila and Ujjain during his father's time. वो Taxila और Ujjain में उसने अपनी हुकूमत यानी viceroyalty जिसको कहते हैं पाई अपने फादर के दौर में ही उसने ये फैम पाई थी. After his father's death, he became a powerful king of Mauryan dynasty. उसके वालिद के मरने के बाद वो मौर्यन डायनास्टी का एक बहुत ही पावरफुल यानी ताकतवर बादशाह बना. अशोका वाज लाइक हिज फादर एंड ही आल्सो वांटेड टू एक्सपेंड हिज किंगडम टू ऑल ओवर इंडिया. वो भी अपने बाप की तरह था. वो भी चाहता था कि मैं अपनी हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमा लूंगा यानी और भी इलाकों को अपने हुकूमत के साथ जोड़ दूंगा. फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ही रूल लाइक ए पावरफुल किंग. पहले पहले कुछ सालों वो बहुत ही ताकतवर बादशाह रहा. दोज डेज कलिंगा वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ मयूर एम्पायर. कलिंगा उन दिनों मौर्यन एम्पायर का यानी इस हुकूमत का, इस किंगडम का हिस्सा नहीं था. बट अशोका वॉन्टेड टू मेक ए बिगर एंड पावरफुल एम्पायर. और अशोका चाहता था कि मैं अपने इस हुकूमत को, इस किंगडम को बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा और बड़ा बना दूंगा. सो ही अटैक्ड ओवर कलिंगा. तो उसने कलिंगा पर अटैक किया यानी हमला किया. थ्री लेक्स आर्मी अटैक्ड ऑन कलिंगा. तीन लाख आर्मी जो थी उन्होंने कलिंगा पर हमला किया. The people of Kalinga were brave and self-respecting. जो कलिंगा के लोग थे वो बड़े बहादुर और self-respecting यानी खुद को इज्जत करने वाले थे. They fought bravely with the army of Ashoka. उन्होंने बहादुरी से अशोका की आर्मी का मुकाबला किया. अशोके की मिलिट्री जो थी उसका मुकाबला बहादुरी से कलिंगा के लोगों ने किया. But
मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर, लेकिन 1 लाख से अलावा लोग वहां पर मारे जा चुके थे. नॉट ओनली किलिंग ऑफ पीपल बट ऑल्सो एंड नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड ऑफ देयर वॉन्ड्स. और वहां सिर्फ कलिंगा के लोग नहीं मरे बल्कि अशोका की फौज में से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वहां के सिपाही जो थे वो भी मर गए. द कलिंगा वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड बाय अशोका, और कलिंगा जो है वो अशोका के जरिए से क्रश हुआ यानी खत्म कर दिया गया, ऐसे उस पर हमला किया गया. ऑल दो अशोका गॉट विक्ट्री बट ही डिड नॉट फाइंड एनी पीस इन द विक्ट्री. ताहम अशोका ने विक्ट्री यानी कामयाबी यानी फतह वहां पर पा ली, लेकिन इस फतह के जरिए से, इस कामयाबी यानी वहां उसको जीतने के जरिए से अमन नहीं फैला, जंग ही जंग रही. कलिंगाज वॉर हॉरिफाइड हिज हार्ट, जो कलिंगाज कलिंगाज का जंग था उसने खौफ पैदा किया अशोका के दिल में. ही सा डिस्ट्रक्शन ऑफ कलिंगा, जब उसने कलिंगा की बर्बादी देखी. किलिंग्स एंड सफरिंग्स ड्यू टू हिज अटैक, सो ही हिमसेल्फ फेल्ट गिल्टी. और जब उसने देखा उसके वार की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई, तो उसका दिल जो है वो मेल्ट हो गया. वो पछतावा करने लगा कि ऐसा मुझे नहीं करना. ही चेंज्ड हिज हार्ट, तो उसने अपने दिल को चेंज किया, उसने अपने जो उसका ख्याल था उसको चेंज किया. और क्या किया, सोन आफ्टर द कलिंगा वॉर ही सीम्ड टू बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग्स. तो उस वॉर के बाद, उस जंग के बाद वो अब ज़्यादातर बुद्धिस्ट टीचिंग्स यानी बुद्धिस्ट जो टीचिंग थी, महात्मा बुद्ध की जो तालीमात थी उन पर वो मुतासर हो गया. ही बिकेम अ ले अपसका बुद्धा, अब वो बुद्धा का दाई बन गया. अब वो लोगों को दावत देने लगा बुद्धिस्ट की. ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू लीड अ प्योर एंड गुड लाइफ एंड अर्ज्ड हिज पीपल टू डू द सेम. उसने खुद को मजहबी रसूमात को निभाने के लिए लगा दिया और लोगों को भी यही करने के लिए कहने लगा. द रिवर्बरेशंस ऑफ द वॉर ड्रम बिकम द रिवर्बरेशंस ऑफ द लव. और जो ये तकरार थी, और इस जंग की तकरार, इसमें जितना भी आपस में फूट बन चुकी थी उसके बारे में उसने एक कानून बनाना चाहा. अशोका बैनड एनिमल्स हंटिंग फॉर फूड, उसने जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया खाने के लिए, जैसे लोग उसको खाते थे. ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रा, वो निग्रा के जरिए बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया था, वो बुद्ध बना था. अब वो बौद्ध मजहब उसने इख्तियार किया था. ही ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ इन द 18th ईयर ऑफ हिज रैन एट पाटली पोत्रा, उसने पटना के अंदर बुद्धिस्ट रैन का यानी हुक्मरानी का ऐलान कर दिया. वहाँ 18 ईयर्स में उसने बुद्धिस्ट हुक्मरानी शुरू कर दी. अशोका गेव अ 7 पिलर्स एडिक्ट, उसने फिर 7 पिलर्स एडिक्ट दे दिया. जैसे आपने अशोका देखा होगा हमारे रुपयों के अंदर, हमारी जो नेशनल सील है इस वक्त वो उसने बनाई थी, उसमें कुछ पिलर्स हैं वो आप देखेंगे उसमें. वन ऑफ सच पिलर इज सिचुएटेड एट सरनाथ नियर वाराणसी. वाराणसी के पास ही एक ऐसा पिलर है वो जो बनाया गया है, जैसे आप देखते हैं हमारे रुपये के अंदर, तो उसका वाराणसी जगह है, वहाँ पर आप देख सकते हैं. इट हैज 4 लाइंस सिटिंग बैक टू बैक एंड अ व्हील कॉल्ड अशोका चक्र. और वहाँ पर उस पिलर के पास क्या है, 4 लाइंस यानी 4 शेर वहाँ पर एक के साथ एक खड़े हैं, और एक अशोक चक्र जिसको कहते हैं, वो गोल जो हमारे झंडे के अंदर भी होता है, और यहाँ पर लिखा भी है द चक्र इन नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो ड्रान फ्रॉम द अशोका पिलर.
तो और जो हमारे रुपयों के अंदर वो अशोका चक्र होता है वो भी उन्हीं पिलर्स का एक नक्शा है. He conveyed the message of Buddha in the various parts of the world as Sri Lanka, Cambodia, China, Tibet, Japan, etc. और उसने फिर जो बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध की महात्मा बौद्ध की जो तालीमात थी उनको फैलाने के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया और मुल्कों में फैला भी दिया, जैसे श्रीलंका है, कंबोडिया है, चाइना है, तिब्बत है, जापान है और वगैरह. His son Mahendra led the message to Sri Lanka. Ashoka built a large number of stupas, probably 84,000. Many people accepted Buddhism. At last, he was called Ashoka the Great. तो इसने बुद्धिस्ट की बहुत सारा काम किया बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, इस मजहब को. यानी पहले वो एक टेररिस्ट था, जैसे लोगों दूसरे मुल्कों पर हमला करने वाला, लेकिन जो उसने जंग आफरी अपने ज़िंदगी में उसने खुद खेली, तो उसमें उसने देखा कि कई सारे लोग मारे जा चुके थे और वहाँ पर बहुत ही नुकसान हुआ था और फिर भी अमन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उसका दिल मेल्ट हो गया, उसके दिल फिर गया और उसने अच्छाई का रास्ता इख्तियार किया. तो वो था मज़हब यानी बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म को इख्तियार करने के बाद अशोका ने कई मुल्कों का सफ़र किया, कई मुल्कों तक वो बुद्धिज़्म पहुंचा दिया. तो लास्ट में यानी आखिरकार उसको अशोका द ग्रेट कहा गया. अशोका बहुत बड़ा इंसान माना गया और आज भी अशोका उसी दरियादिली की वजह से ज़िंदा है. आज भी उसे लोग मानते हैं क्योंकि उसने आखिरकार वो टेररिज्म, वो जो खतरनाक अब खुद को कहना या दूसरे लोगों को डराने का जो अमल था उसने ख़त्म किया. तो इस वजह से वो अभी भी उसकी तारीफ आज भी सुनने को मिलती है और हिंदुस्तान के कई सारे जो गवर्नमेंट यानी नेशनल सिंबल्स हैं या कुछ हैं उनमें भी उसको ऐड किया गया. तो फिलहाल ये कहानी यहीं ख़त्म होती है. आपसे मिलते हैं अगली कहानी में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन.